गाड़ी रोको लाइसेंस है दिखाओ चलो निकलो निकलो क्या बात है सर काफी रश लग रहा है डिक्की खोलो काफी गाड़ियां भी खड़ी है शायद चेकिंग चल रहा है सर मैं देख के आऊं देखो देखो क्या मामला पेपर्स कितने गाड़ी के हाँ चलो आगे बढ़ो लाइसेंस दिखाओ क्या रखा पीछे पेपर्स है हाँ सर रूटीन इंक्वायरी चल रही है चलो आगे बढ़ो बहुत जरूरी है ये सब काफी खराब हालत है शहर की क्या बात है म्यूजिक ट्यून कॉन्सर्ट आरएम ऑडिटोरियम संगीत का धमाका वो एक पड़ोसी है मेरा राहुल वो भी ये प्रोग्राम में है वो जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना प्रोग्राम उनके साथ वो भी मिला हुआ है काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए आ जाइए देखता हूँ टाइम मिला तो जाऊँगा तो कोई जरूरी नहीं है मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर ठीक है जी सर सब ठीक है रुको रुको लाइसेंस है चलो चलो निकलो रुको रुको गाड़ी रुको सर गोली चलने की आवाज सर जिस तरह से बैरिकेड तोड़ के भागा है ऐसा लगता है कुछ गलत सामान लेके जा रहा है सर वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा सामान है चोरी का है या नहीं ये ऐसे रुकने वाला नहीं है गोली मार दो उसके टायर पे यस सर बिना बोले मार क्या देखो अंदर क्या यस सर सर इस पूरे ट्रक में सिर्फ आम की पेटियां हैं सर सिर्फ आम की पेटियां और कुछ नहीं नहीं सर और कुछ भी नहीं है सर सिर्फ आम की पेटियों के लिए अपनी जान क्यों देगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता मामला कुछ और है बॉस एक एक काम करो एक एक पेटी को खोल के अच्छी तरह से चेक करो देखो अंदर क्या यस सर तब तक मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ न्यूक्लियर केमिकल है सर हाँ सर तुम्हें कैसे मालूम क्या न्यूक्लियर केमिकल है सर मैं न्यूक्लियर लैब में काम कर चुका हूँ सर मुझे जल्दी से अस्पताल ले चले वरना मैं मर जाऊंगा सर प्लीज सर चलो गाड़ी बैठो
सर, जल्दी सर, प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले एक काम करो, पहले एसीपी साहब को फोन करो और उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो, उनसे कहो कि इस रोड को सील कर दे। बाद में रिसर्च सेंटर में फोन करो, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, उनसे कहो एक टीम भेजने के लिए। सर, गोरेगांव आरे रोड पे एक ट्रक में न्यूक्लियर केमिकल मिला है सर। GTIF 6 5 TD 7 8 UY तो मेरा शक सही है। शक? कैसा शक? ये न्यूक्लियर केमिकल 2 साल पहले यहीं से चुराया गया है। क्या? कमाल की बात, इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, फिर भी ये केमिकल चोरी हो गया। मालूम है कितना खतरनाक है, इससे एटम बम तक बनाया जा सकता है। और आप कह रहे हो चोरी हो गया? एक एक ग्राम का हिसाब रखा जाता है। दुनिया भर में इसी का डर रहता है कि कहीं ये न्यूक्लियर केमिकल किसी आतंकवादी के हाथ में ना पड़े, और तुम कह रहे हो चोरी होगी। मगर सर, ये चोरी धोखे से हुई थी। धोखा? कैसा धोखा? 2 साल पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट काम करता था, कांचा शीना। कुछ दिन काम करने के बाद वो अचानक गायब हो गया और अपने साथ साथ इस तरह के 3 सिलेंडर भी ले गया। 3 सिलेंडर? 2 सिलेंडर अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। अब तो तबाही तबाही है। जहां कहीं भी ये केमिकल छुपाया गया हो, वहां पर तो लोग मरने लगे होंगे, मरे भी होंगे अभी तक। हाँ सर, हो सकता है मर भी गए हों, क्योंकि इसमें से तो हर समय रेडिएशन निकलता ही रहता है। इसे कहीं भी रख दो, खतरनाक किरणें इसमें से निकलती ही रहती हैं, और जो भी इन किरणों की चपेट में आएगा, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो मर भी सकता है। सर, यहां तक कि अगर इसे जमीन में भी गाड़ दें तो कम से कम 100-150 सालों तक इसमें से खतरनाक किरणें निकलती ही रहती हैं। अगर इसे जमीन में गाड़ा हो तो जो लोग इसके ऊपर से निकलेंगे या बैठेंगे वो लोग मर जाएंगे। हाँ, जो भी इसके नजदीक जाएगा वो मर सकता है। ये पता नहीं अनजाने में कितने सारे लोग मर गए होंगे। आप लोगों ने बाकी 2 सिलेंडर ढूंढा नहीं? ढूंढा सर, बहुत ढूंढा। देखिए सर, मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, आपकी मदद इंस्पेक्टर करण कर सकते हैं, क्योंकि वही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब। अच्छा, इंस्पेक्टर करण। सर, उस ट्रक के मालिक का पता चल गया। कौन है वो? वो ट्रक आरती ट्रांसपोर्ट का है सर। कोई मिस्टर जिनकार है, वो मालिक है इसका। जिनकार? उठाओ, उठाओ इस जिनकार। मगर सर, वो कह रहे थे कि उनका यह ट्रक करीब 25 दिन पहले चोरी हो गया था। ट्रक चोरी हो गया था? हाँ सर, उन्होंने चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई है, ये रही। पुलिस स्टेशन जाके पता किया है, रिपोर्ट सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। बेटी, अगर ये रिपोर्ट सही है तो भी उस आदमी पे नजर रख। वो कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, कुछ भी गड़बड़ लगे इन्फॉर्म करो। यस सर। सर, आरटीओ के पास इस ट्रक ड्राइवर का पुराना एड्रेस है। पुराना एड्रेस? यस सर। कोई बात नहीं, पुराने एड्रेस पर जाओ और वहाँ आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। यस सर। जाओ। सर, मिस्टर करण है। 2 साल पहले चोरी का ये केस यही हैंडल कर रहे थे। हेलो सर। मिस्टर करण, देखिए, सिद्धांत ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने ये भी कहा है कि आप हमें इस केस में मदद कर सकते हो। हाँ सर, प्लीज बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
करण जी, आपने कांचा जीना का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। 2 साल पहले उसने न्यूक्लियर लैब में से कुछ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराया है। यस सर। तो आपके पास कांचा सिन्हा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इतनी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन, सब दीजिए हमें। पर वो तो मर चुका है सर। कांचा सिन्हा मर चुका? हाँ सर। कब? 6 महीने पहले एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है सर। तो फिर ये सब काम कर कौन रहा है? शायद उसके आदमी। कौन है ये आदमी? सुमन, कांचा की वाइफ सर। कांचा की मौत के बाद हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, पर वो हमें नहीं मिली। और हाँ सर, अशोक नाम का एक आदमी भी उसके साथ था, कांचा का राइट हैंड। इस फाइल में अशोक और सुमन के बारे में सब कुछ लिखा है सर। मैं सुनूंगी। क्या? ये ड्राइवर अगर वो बैरियर तोड़ के नहीं भागा होता तो हमें पता ही नहीं चलता इन आम की पेटियों के बीच में इतनी खतरनाक चीज रखी हुई। सही कह रहे हैं आप भाई, इस बेचारे ने तो अपनी जान ही दे दी। कोई बेचारा बेचारा नहीं है ये भी उन चोरों में से एक। अभिजीत, अगर इस बेचारे को पता होता कि उन आम की पेटियों के बीच में इतनी खतरनाक चीज रखी है तो ये उस ट्रक में जाता ही नहीं। वैसे सारों के 80% लोगों को इस न्यूक्लियर केमिकल या रेडियो एक्टिव मैटर के बारे में कुछ पता नहीं है। अबादी में अपना विवेक कैसा है? विवेक अब ठीक है सर, डॉक्टर ने कहा है कि उसे एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सर, और एक बात पता चली है। क्या है? जिस जगह न्यूक्लियस रखा हुआ था वहां पे चमगादड़ रहते हैं। बैट्स? चमगादड़ भी रहते हैं? आर यू श्योर? क्या मतलब? नहीं, मतलब कोई गलती तो नहीं हो गई आप लोगों से? अरे क्या हो गया अभिजीत तुम्हें? अरे बात तारिका जी ने पता की, और तारिका जी झूठ कैसे बोल रहे? तारिका ने अच्छा काम किया, गुड वर्क। ये बात तो है। नहीं मतलब बदमाशों के साथ चमगादड़ रहते हैं ये बताना, ये तो कमाल है। वाह वाह वाह। वैसे डॉक्टर सालुंके के मुंह से कभी भी किसी के लिए तारीफ नहीं सुनी, तो इसलिए हमारी तरफ से भी वाह वाह। सर, वैसे चमगादड़ के बारे में कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो आम की पेटियों के नीचे मिट्टी लगी हुई है इसमें चमगादड़ की बीट भी मिली। अगर मुंह से ये भी निकल जाता कि जूते के नीचे मिली मिट्टी और टायर पर लगी मिट्टी वो डॉक्टर सुनाली ने नोटिस की तो? मैं बोला नहीं कही बात। कहां सर, आपके मुंह से आसानी से बात निकलती कहां है? सर एक सेकंड। सर माइक्रोस्कोप देखिए। सर जो टायर पर मिट्टी मिली है वो काफी पुरानी है, इनफैक्ट वो राजा महाराजाओं के समय की भी हो सकती है। इतनी पुरानी? जी सर। मतलब 400-500 साल पुरानी? हाँ बस। ये मिट्टी जहाँ से आई है वो कोई ऐसी जगह है जहाँ या तो कोई खंडर है या कोई पुरानी इमारत। कोई पुराना किला भी हो सकता है? हो सकता है। सर जहाँ पर तलाशी ली गई थी गाड़ियों की वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक किला भी है, और हो सकता है कि वहाँ पर चमगादड़ भी रहते हो। तो चलो जाकर देखते हैं ये किला। हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, काम होने के बाद फोन करता हूँ। एक बुरी खबर है बाबा। क्या? CID। CID क्या? आगे बोल। CID को पता चल गया अपने न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। क्या? CID को पता चल गया? CID को पता चला कैसे? किसने बताया उन्हें? हमारा ट्रक गोडाउन से बाकी के न्यूक्लियर माइंस लेकर जा रहा था, वो CID के हाथ चढ़ गया और उसी से उनको पता चला। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ देते हैं भाई।
राय सारा प्लान चौपट हो गया, तुम लोगों की वजह से। भाई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक काम करते हैं, उस प्लान को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं। प्लान पोस्टपोन कर दो, वशन पोस्टपोन कर दो, जिसके पीछे इतना वक्त लगाया मैंने। भाई आप सीआईडी वालों को जानते हो, देखो एक बार सीआईडी जब पीछे पड़ जाती है तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ती, समझा करो भाई, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हम लोग रुक जाते हैं। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरा इतना पैसा लग गया है इस मिशन पे, अगर ये मिशन कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। ध्यान से देखो, जो लोग ऐसा खतरनाक काम करते हो देर नहीं लगाते गोली चलाने में। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। अभिजीत, नहीं सर उधर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर वो ट्रक सर यहीं से आया है, जगह सुनसान है, और ये देखिए ऐसे ही पत्थर उस ट्रक के टायर में थे सर। हाँ अभिजीत, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर चमगादड़ हो, वहीं पे होगा अड्डा इनका। कोयल नहीं है ये, काजल है। यस सर, हाँ काजल। सर सर, वो देखिए कौन सर, लगता है कि ये लोग अभी भी यही है। कुछ फिल्म की टिकट्स मिली है और एक ब्लूप्रिंट मिला है सर। टिकट्स? सर 20 मिनट पहले इसने इस मोबाइल फोन से कॉल किया था। किससे? देखो कोई नाम वाम है क्या? नाम तो नहीं है सर, नंबर है। के लिए था सर। I know. बाल बाल बच गया अभिजीत। अभिजीत उन्हें पता था हम लोग आ रहे हैं, लेकिन बेचारा करण मारा गया। तो 20 मिनट पहले इसने जिसे कॉल किया था
पता करते ये नंबर किसका है, सारी कहानी सामने आ जाएगी सर। पता लगाओ ये नंबर किसका है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये नंबर इस वक्त कहाँ पर है। ओके, या ठीक है। सर क्या कह रहा था मोबाइल कंपनी वाला सर? जैसे ही उन्हें पता चलेगा हमें बता देंगे। यही कि इस वक्त वो आदमी कहाँ है, अशोक ने जिसको फोन किया था? हाँ। अशोक तो कांचा सिन्हा का खास आदमी था, तो फिर उसे क्यों मार दिया? दाशा, अपराधियों के कोई रिश्ते नाते नहीं होते। काम हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सीधे होगा। किसका फोन है सर? वही है जिसके बारे में पता कर रहे हैं हम लोग। सर आप फोन उठा ही लो, सीधे बात कर लो उससे। अगर मैं बात करूंगा ना फ्रेडी, तो ये भाग जाएगा हमेशा के लिए। या हेलो जी, मैं दया बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके ठीक है। या अच्छे गाड़ी आगे तुम मान सर। क्या बता चल सर? मोबाइल कंपनी वाले को कहना है कि वो आदमी इस वक्त रोटारो मॉल में है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन है वो, कहाँ है वो? बेटी, हर जगह पे इस तरह से रोते हुए काम शुरू नहीं करना चाहिए, समझे? तुम्हें जरा सी जगह मिलती है और तुम दो चार बूंद आंसू की गिरा ही देते। एंड हमेशा याद रखना, सीआईड में कोई भी काम नेगेटिव बातों से शुरू नहीं करना चाहिए, समझे? लगता है बहुत जल्द एसीपी बनने वाले थे सर। राजा, जरा फोन देना। ये है हमारा आदमी जिसकी तलाश है। महेश? कौन महेश भाई, किसको नंबर लगा आपने? सॉरी, मुझे महेश से बात करनी थी। नहीं है भाई, कौन बोल रहा है तुम? हेलो। लगता है गलत नंबर लगा, सॉरी सर। अरे फोन रखो यार, रॉन्ग नंबर है। जल्दी से फोन उठा लीजिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। साशा, यही तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भाग जाए। कम से कम ये तो पता चले कि इनका अड्डा है कहाँ। किस तरफ आ रहा है वो? जरा ध्यान से देखना नहीं उसकी तरफ। यस सर। काम करो, जरा नजदीक जाके सुनने की कोशिश करो ये दोनों आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। उस अशोक को मैंने 10 बार फोन लगा दिया, फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है सीआईडी के पंजे में फंस गया। मैं काम करता हूँ, मैं बॉस को बता देता हूँ कि अशोक फोन नहीं उठा रहा है। सीआईडी वाले शायद उसको पीछे लगते हैं। आप एक काम करो, बॉस का एड्रेस दे दो। ये लो पान, इसमें बॉस का पता है, वो कहाँ मिलने वाला है आज लिखा हुआ है।
वो अपने बॉस के पास जा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, हम लोग इस आदमी का पीछा करते हैं, तुम यहीं पे रुको, इस पान वाले पे नजर रखना ठीक है। तो यहीं पे ये उसकी बाइक है, यहीं कहीं होना चाहिए वो। देखो चारों तरफ, सिर्फ आ जाइए जल्दी। गाड़ी के शीशे इतने डार्क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अंदर कौन बैठा है। इस तरफ आ रहे, काम करो तुम लोग, देखो उस कार में कौन है, मैं इसे देखता हूं। तुम अशोक और सुमन के बारे में सब कुछ लिखा है सर। चलो आ गया, चलो बहुत सुधर लिया, चल। ओ तुम? हाँ सर, सुमन कांचा शीना की बीवी। बताओ क्या चक्कर है सर? देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हारे पति नहीं न्यूक्लियर केमिकल चुराया ना? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये ऐसे नहीं मानेगी, तुझे थोड़ी खुराक देनी पड़ेगी। मारना नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं क्या करती, मैं तो पहले से ही कह रही थी। सुमन, 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 भाई साहब रुको रुको, इट्स एन इमरजेंसी, बाइक चाहिए, हटिए। सुमन 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 सुमन, कौन कौन है इसमें? सुमन जल्दी बताओ, देखो हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ बोलो सर। संडे? संडे सुमन, संडे क्या? हाँ सुमन, 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 thank you.
स्केच तैयार है। सर स्केच रेडी है। ये बदमाश लगता है, चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में, देखो क्या पता चलता है इसके बारे में। यस सर। सर ये आदमी जो कोई भी है, इसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग है, कोई खतरनाक स्कीम कर रहा है सर। करने दो प्लानिंग, लेकिन हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे काजल। सर गाड़ी में से फिल्म की 15 टिकटें मिली। 15? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमी ने एक ही फिल्म एक हफ्ते में एक ही थिएटर में 15 बार। ऐसे क्या पसंद आया उसे इस फिल्म में? कौन से थिएटर में? सर आर एम थिएटर रोटोरो मॉल में है। आर एम थिएटर रोटोरो मॉल। 15 बार एक ही फिल्म और वो भी एक ही थिएटर में देखना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। ये देखिए, एक दिन वो 12:30 बजे देखता है शो, उसी दिन शाम को 6:30 बजे देखता है, उसके बाद अगले दिन 11:30 बजे देखता है, जबकि ये फिल्म पिटी हुई है सर, फ्लॉप है, फिर भी ये आदमी इसी फिल्म को बार बार देख रहा है, क्यों? अभिजीत, ये आदमी उस मॉल में बॉम्ब लगाना चाहता है, फिल्म देखने के बहाने वो बार बार जाता है थिएटर में, जगह ढूंढने के लिए, बॉम्ब रखने के लिए। ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में है सर, इस आदमी का नाम रमन है और इंटरपोल इसे ढूंढ रही है एक बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में। सर ये बात तो तय है कि ये आदमी मुंबई शहर में कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है, उनमें से ये जगह ये मॉल भी हो सकती है। काजल सर, वो जो ब्लूप्रिंट मिली है गाड़ी में से, चेक करो इंटरनेट पे, देखो किस जगह की ब्लूप्रिंट है वो, जल्दी। यस सर। आशा। यस सर। सुमन मरते वक्त कुछ बोल रही थी क्या? संडे। संडे? यस सर। संडे रविवार। अभिजीत कहीं ये सुमन हमें ये तो नहीं बताना चाहती थी कि रविवार के दिन शहर में बड़ी गड़बड़ होने वाली है, कहीं उस मॉल में या थिएटर में? सर संडे तो कल ही है और संडे के दिन मॉल में काफी भीड़ भाड़ होती है, कहीं इसी संडे की बात तो नहीं कर रही थी? सर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उसे मॉल में ब्लास्ट करना है तो वो थिएटर में क्यों गया, सीधे ही मॉल में जाकर प्लान कर सकता है। मॉल में चलते हैं, तलाशी लेते पूरे मॉल की, पता चलेगा क्या गड़बड़ है। सर अभी तक कहीं भी नहीं दिखा है वो रमन। हाँ सुबह से ढूंढ रहे हैं उसे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना प्लान ही बदल दिया? नहीं तशा, अगर उसने इसी मॉल में बॉम्ब लगाने का प्लान किया है तो वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक मिनट एक मिनट, ये वाला कैमरा मैग्नीफाई करो। अच्छा कांचा शीना की बीवी सुमन ने क्या कहा था याद है? हाँ सर, संडे। संडे, और आज संडे है, जो डर इसी बात का है कि कहीं वो अंदर आ न गया। सर जो होलिया आपने बताया था उस तरह का तो कोई आदमी अभी तक दिखाई नहीं दिया। अरे वो भेस बदल कर भी आ सकता है अंदर, क्योंकि वो जानता है सीआईडी उसके पीछे पड़ी है। मगर सर हमारा स्टाफ हर गेट पर तैनात है। सर अगर इतनी सिक्योरिटी है तो वो अपने साथ कुछ ब्लास्ट करने के लिए अंदर नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता था? अगर इनका कोई आदमी मिला हुआ हो तो उसके साथ? सर ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। फ्रेडी को फोन करो और कहो कि यहाँ का जितना भी स्टाफ अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा, सब पर कड़ी नजर रखो, चेक करो उन्हें, देखो लोग क्या करते हैं, बोलो। यस। एक मिनट रुकना यार, ठीक तरह से ड्यूटी भी नहीं करने देती, बार बार फोन कर दी रही थी। बोलो अच्छा फ्रेडी से कुछ पता चला? यहाँ पर कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिस पर शक हो सके, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स ही आ रहे हैं इस गेट से। सर वो आदमी चेहरा बदल कर भी अंदर आ सकता है,
और क्या पता अब तक वो स्टाफ मेंबर बनकर अंदर घुस गया हो। मेरी आंखों से आज तक कोई भी बच के नहीं निकला है, समझे? वो कैसे सर? मैंने हर स्टाफ मेंबर्स को एक स्पेशल बैच दे के रखा है और हर मेंबर की मैं अच्छी तरह से तलाशी लेकर अंदर भेजता हूँ। बोल देना एसीपी साहब को। ओके सर। क्या कहा फ्रेडी ने ताशा? सर फ्रेडी सर कह रहे हैं कि अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया है जिस पर शक हो। कोई आ भी नहीं सकता है अंदर क्योंकि फ्रेडी है वहाँ। फ्रेडी, फ्रेडी की आंखों से कोई छूट नहीं सकता, बड़ी तेज आंखें हैं उसकी। अभी अभी एक आदमी स्क्रीन नंबर 2 से बाहर गया है। हाँ हाँ, ये लंबा सा। हाँ वही लगता है, देखो उसे। ओके ओके ओके, ठीक है। ये टॉयलेट की तरफ जा रहे शायद। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ, देखता हूँ मैं।
इंस्पेक्टर दया, तुम्हें क्या लगा था तुम जब चाहोगे जहां चाहोगे मुझे पकड़ लोगे? मैं सीआईडी से 10 कदम आगे की सोचता हूं। मजा आया यार, अच्छी मूवी है। अरे क्या हुआ भाई साहब इन्हें? पता नहीं, चक्कर का गिर गया। अरे इनके तो सिर पे चोट आई है, अरे खून भी निकल रहा है। हाँ वो जमीन पे सट टकरा गया होगा तो निकल। मैं भी सिक्योरिटी को बोलता हूँ, एम्बुलेंस को फोन करके। एक मिनट, हॉस्पिटल ले जाना होगा। एक मिनट, तुम यहाँ इनको देखो, मैं अभी फोन करके आता हूँ एम्बुलेंस को। मिला वो आदमी? मैं वरुण बोल रहा हूँ साहब, आपके दोस्त के सिर में चोट आई है, बेहोश है वो। क्या चोट लगी? कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? बाथरूम से। बाथरूम से? माय गॉड, पता नहीं साहब, हम लोग अंदर आए तो ये नीचे गिरे हुए पड़े थे और इनके पास में एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक हो? समझ के, थोड़ा खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ। बहुत सर चकरा रहा है। करो जी, समझ लो। गलती मेरी थी अभी चीज। थोड़ी देर के लिए थोड़ी गड़बड़ होगी। दया को उस आदमी ने मारा है सर। नहीं सर, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगी है। रमन यहीं पे है सर, वो भेष बदल के घूम रहा है। कुछ पता चला अभी जी? नहीं सर, पूरा मॉल छान मारा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है वो। सर लगता है वो यहाँ से गायब हो गया। उसे लगा होगा कि सीआईडी तो अभी उसका पीछा छोड़ेगी नहीं, तो पत्ते गली से निकल गया वो। सर वो वापस थिएटर में भी नहीं गया, सारे कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर लिए। वो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं गया, तो फिर गया तो गया कैसे? हवा बंद कर तो नहीं जा सकता? सर ये उसी समय गया होगा जब उसने दया के सिर पे वार किया था। राजा काम करो, कॉन्स्टेबल को फोन करो, उसे कहो कि बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक करे, एक भी जगह छुटनी नहीं चाहिए, जल्दी। और हाँ जरा होशियारी से, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मामला क्या है, नहीं तो लोग डर जाएंगे। सर मुझे लगता है सर इस मॉल को खाली कर देना चाहिए। अगर उसने वाकई यहाँ पे बॉम्ब रखा है तो कभी भी फट सकता है सर, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोगों की जाने जा सकती है सर। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ से खाली करा देते सर। हम अगर उसे कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे कि ये बिजली का प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है, तो तभी तक के लिए हम आपको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। करेक्ट, अच्छी आइडिया। सशा मॉल के मैनेजर को जाके कहो कि यहाँ से सब लोगों को खाली करें, जैसे दया ने कहा वैसे करो, जाओ जल्दी। हाँ राहुल बोलो, क्या बात है? सर फंक्शन में आना है, याद है ना आपको? हाँ, मुझे याद है। कभी है प्रोग्राम? सर आज ही। आज ही है ना? हाँ। ओके ठीक है। कितने बजे आ रहे हैं सर, टाइम बताओ ना। टाइम का कोई भरोसा नहीं है। पक्का आएंगे ना सर? लेकिन हाँ, कोई गारंटी दे नहीं सकता, लेकिन आना जरूर सर। ठीक है। पहले भी बोल के नहीं आए थे सर। अरे नहीं, हमारी नौकरी कुछ ऐसी ही है सर, प्रोग्राम शुरू होने में लगभग आधा घंटा है। राहुल मैं कोशिश करूंगा। अच्छा ये जगह कौन सी है जहाँ मुझे पहुँचना है? सर रटारियो मॉल के थोड़ा सा आगे अरे ऑडिटोरियम है सर। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और सर चीफ गेस्ट से मिस्टर अरुण जी। राहुल मैं पहुँचने की कोशिश करूंगा वहाँ पे, ठीक है? ओके सर, थैंक्स। हदे क्या हुआ? सर नहीं सर, ये एक मेरे पड़ोसी का फोन था, मुझे फंक्शन में जाना था। कहाँ पे? सर वो एक विवेक। हाँ विवेक बता। क्या
ठीक है आते हैं। सर विवेक को कुछ पता चला है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेट्स गो। विवेक कहाँ है? विवेक कहाँ सर? विवेक क्या हुआ, कुछ मिला क्या? सर सिर्फ ये एसी का डक खुला हुआ है सर, ये देखिए सर, और ये सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई थी सर, और एसी के डक के अंदर जूते के निशान है सर। एसी के डक के अंदर जूते के निशान है? इसका मतलब एक ही हो सकता है अभिजीत, वो इस डक में से ही गया है। सर अगर वो इस डक के अंदर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वो बम इस डक के अंदर फिट कर दिया हो? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विवेक यस सर, डक के अंदर जाएगा? यस सर। देखो अंदर बॉम्ब लगा हुआ होगा, जाएगा? यस सर। गुड, अंदर जाओ और देखो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। और एक बार, ये डक कहां पर खत्म होती है ये भी देख कर आना, समझे? और संभाल के, नो रिस्क। यस सर। विवेक हाँ आराम से। अभिजीत सर जाओ इसके पीछे, बच्चा है शायद संभालना पड़ेगा उसको, जाओ आराम से। क्या सर वो अंदर गया? गुड सर, पूरा मॉल खाली करवा दिया। क्या? पूरा मॉल खाली करवा दिया सर। वेरी गुड, और बम स्क्वाड वालों का काम चालू है? यस सर। गुड, हाँ विवेक। अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देखो हम लोग आ रहे हैं वहीं पर, तुम वहीं पर रहना, समझे? ओके ओके। क्या हुआ सर? विवेक कह रहा था अंदर कोई बम बम नहीं है, और ये डक आरएम ऑडिटोरियम में खुलती है। आरएम ऑडिटोरियम में? हाँ आरएम ऑडिटोरियम। ये डक जाके आरएम ऑडिटोरियम में खुलता है, इसका मतलब ये आदमी ये ऑडिटोरियम उड़ाने वाला सर, पहली बार मैं आपको आमने सामने देख रहा हूँ, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता सर। वो क्या है कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ रहती है कि लोगों से मिलने का समय नहीं मिल पाता। आइए सर आइए प्लीज। सिक्योरिटी, इस बिल्डिंग की देखरेख कौन करता है? सब लोग को खाली करो यहाँ से। देखे लिए सब लोग यहाँ से बाहर जाइए, कोई भी यहाँ पे दरवाजे के सामने खड़े होकर बात नहीं करेंगे। बाहर आइए, हमें प्रोग्राम देखना है और आप लोग हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी की वजह से हम आप लोगों को यहाँ से खाली कर रहे हैं, प्लीज जरा बात मानिए, हमें कोई खुशी नहीं हो रही है, चलिए प्लीज। मुझे कोई रोकेगा नहीं आपको, सीधा ऊपर जाएंगे आप, समझे? मर जाएंगे अगर ये बम फट गया तो यहाँ पर। हाँ चलिए 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 प्लीज चलिए चलिए प्लीज कम ऑन। दया पास 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 आ जाओ आइए। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। क्या आप भी इस प्रोग्राम में आए? जी नहीं, हम लोग प्रोग्राम में नहीं आ रहे, लेकिन जो भी लोग यहाँ प्रोग्राम में आ रहे उन्हें रोकने के लिए यहाँ आ गए। क्यों, कुछ गड़बड़ है?
क्या गड़बड़ है, आपको इसी वक्त अभी ऑडिटोरियम खाली करके बाहर जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बात समझिए आप लोग। चलिए प्लीज आइए आइए, फास्ट प्लीज, कम ऑन फास्ट। वो यहीं पे है, उसने बम यहीं कहीं प्लांट किया हुआ है। ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चलो पहले जाओ, चेक करो अच्छी तरह से। देखिए प्लीज जल्दी से ऑडिटोरियम खाली कर दीजिए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? सिक्योरिटी रीजंस है, हम आपको बाद में बताएंगे। प्लीज जल्दी से बाहर निकल जाइए। सिक्योरिटी रीजंस है, प्लीज 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 प्लीज, हम आपको बाद में बताएंगे। सिक्योरिटी रीजंस है, प्लीज 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 प्लीज। ओह सॉरी मन, हे न्यूक्लियर पैकेट्स, हाँ? ये कभी प्यार से पूछ रहे हैं, बाद में हंसने लायक नहीं रहेगा, मुंह टूट जाएगा तेरा। नहीं बताएगा, हाँ? बोल, हाँ? बता। पोडियम में कुछ अंदर करते देखा था। पोडियम में सचिन छोड़ना नहीं, से पकड़ के रखना। कुछ चिल्ला, कुछ बहुत नहीं है। सचिन विवेक ले जाओ इसे, चलो 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 तब। संभाल के करना, कहीं जोश में बॉम्ब हो तो फट ना जाए। संभाल के दया, एक ना एक दिन तो मरना ही है सर। अच्छा तो फट जाए सर। अजय ये सब बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी बुला दो इधर। ये सब मिल गया सर। सिद्ध टाइम बॉम्ब है सर। माय गॉड, मुझे पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। काजल, बॉम्ब स्क्वाड का क्या हुआ?
सब वो लोग पहुंच रहे हैं। सर उनके यहाँ पहुंचने तक तो काम तमाम हो जाएगा सर, कुछ कुछ करना चाहिए। सर मैं कुछ करूँ? क्या करोगी तुम? सर कुछ ना कुछ कोशिश कर सकती हूँ सर। कोशिश? काजल एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। सारी तारे समझ में नहीं आ रहा है, इनमें से असली तो दो ही है। जानबूझ के इतनी वायर लगाई इसने, असली वायर दो ही होती है। गलत काटा तो बम फट जाएगा। क्या लगता है बस? ये वाला काट के देखता हूँ। सर आप लोग यहाँ से चले जाइए। सर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ दया। सर इस बार मामला थोड़ा अलग है सर, आप प्लीज चले जाइए सर, अपना काम करो। सर कम से कम ये लोग तो जा सकते हैं। रानी जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। मरना है तो साथ में मरेंगे सर, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ सर नहीं जाएंगे। क्या लगता है बस? ये पीला वाला काट देता हूँ। क्या करें? एक मिनट रह गया यार। ये दूसरा वाला, लाल वाला। लाल वाला? काट दो। फाइनल है? मुझे काट डालो, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सर जीत हमारी नहीं, जीत तो सीआईडी की है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।